हेलो टीचर्स, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और अपने मित्रों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे इस चैनल के नए नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से NIOS के जो प्रैक्टिकल कोर्स विद्यालय आधारित गतिविधि ने स्कूल बेस एक्टिविटी जो है उसकी हिंदी वर्जन में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। विद्यालय आधारित गतिविधियाँ 511 का दूसरा भाग, विद्यालय कक्षा के रिकॉर्ड और रजिस्टरों का रखरखाव का पांचवा पार्ट जो है, पांचवा भाग जो है, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल गतिविधियों के रिकॉर्ड की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है, किस प्रकार एक रिपोर्ट तैयार करना है, उसके बारे में आज मैं हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो SBA के लिखने के लिए जो सबसे पहले आपको नाम, इनरोलमेंट नंबर और विद्यालय का नाम लिखना है, उसी प्रकार आपको प्रशिक्षित शिक्षक का नाम, नामांकन संख्या और स्कूल का नाम और पता आपको लिखनी है। दूसरे भाग में आइए, पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों की संख्या आपको क्या देनी है, इसके बारे में आपको देना है। मैंने 120 रखी है। अब विभिन्न क्षेत्र, विषय क्षेत्रों में कुल पुस्तकों की संख्या आपको अपने पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या के अनुसार आपको पुस्तकों की संख्या को यहाँ सूचीबद्ध करनी है। अगर अधिक होता है तो अलग से एक सूची को लगाना है। मैंने देखिए हिंदी में 15, अंग्रेजी में 25, इतिहास में 35, भूगोल में 15 और प्रेमचंद का उपन्यास को 10 रखा है। आप अलग से अन्य उपन्यास, अन्य पुस्तकों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा, देखिए प्रयोगशाला में उपकरण और रसायनों की सूची अलग से सूची संलग्न करें, अधिक अगर हो तो अलग से सूची को संलग्न करना है। जैसे उपकरण मैंने क्या लिखा है, सुरक्षा चश्मा, बीकर, फ्लास्क, ग्लास, फनेल, ड्रॉपर, पिपेट, ब्यूरेट, रिंग स्टेन, वार्नर इत्यादि, इस प्रकार आपको आपको सूची बनाने हैं। रसायनों के नाम में देखिए, मैंने इंग्लिश में रसायनों के नाम लिख दिए हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, परऑक्साइड, बोरेट और एसिड्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में देखिए, अल्कोहल, एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसमें दिया है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री की सूची आपको तैयार करनी है, अलग से एक सूची बनानी है, अधिक ज़्यादा हो जाएगी तो, नहीं तो आप छोटे से बना सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। आपको अलग से अधिक करके आपके विद्यालय में जितने भी खेल सामग्री होगी उसकी एक सूची बनानी है। मैंने कुछ दिया है आप नोट्स के लिए। तो देखिए, फुटबॉल, बल्ला, गेंद, बास्केटबॉल, शतरंज, लूडो इत्यादि, आपको इससे भी अधिक आपको लिखना है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल, ये सब के बारे में आपको लिखना है। प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल संसाधनों के अध्ययन का आयोजन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करता है, इसे आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। ये बहुत छोटा सी है रिपोर्ट, इसको तैयार करनी है। घटक और हाँ या ना में उत्तर देखिए। विद्यालय में अलग से पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था, सभी के विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था होती है, हाँ लिखना है। विभिन्न विषय क्षेत्रों में पुस्तकालय की पुस्तकों की पर्याप्तता, हाँ मैंने लिखी है। विभिन्न विषय में संवर्धन सामग्री की व्यवस्था क्षेत्र, इसमें मैंने हाँ दी है। उपयुक्त विद्यालयों में आपकी पत्रिका और अखबारों की व्यवस्था है तो उसके बारे में हाँ लिखना है। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उचित अध्ययन की आदतों को विकसित करने में मदद करता है, अध्ययन मार्गदर्शन प्रदान करता है, हाँ दी है। पुस्तकों के प्रकार की निगरानी अक्सर की जाती है, ये भी मैंने हाँ दी है। अंक कार्ड या आई कार्ड के प्रावधान सहित पुस्तकों के जारी करने की विधि, इसमें भी हाँ दी है। प्रयोगशाला उपकरण और रसायनों की प्राप्तता, हाँ। उपकरण और रसायनों की व्यवस्था की प्रक्रिया, इसके भी मैंने हाँ लिखी है। यानी आपको अपने विद्यालय के आधार पर आपको हाँ या ना करना है। खेल सामग्रियों की प्राप्तता, खेल सामग्रियों की व्यवस्था की प्रक्रिया, मैंने हाँ की है। तो इस प्रकार एक छोटी सी रिपोर्ट है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेल सामग्रियों की मैंने रिपोर्ट तैयार करनी है। और अंत में देखिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपके प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर, कार्यालय का सील होना चाहिए, मेंटर का सिग्नेचर और सुपरवाइजर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो बहुत दोस्तों, यह सबसे बहुत छोटी बड़ी वीडियो है, आपको तुरंत में आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से बना लेंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वह भी हमारे इस वीडियो एवं चैनल से लाभ उठा सके।